तो दोस्तों आज हम लोग है एट दैट फिश प्लेस, यानी कि अगर इसको मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो होता है वही मछली का जगह। तो वही जगह कौन सा है? वही जगह अभी यही जगह है। तो चलिए आज देखते हैं मिस्टर रितम गांगुली का स्टॉक पॉइंट में आज क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि उनके पास पूरा का ढेर भंडार अभी नया स्टॉक्स आया हुआ है। लेट्स चेक आउट व्हाट स्टॉक्स वी हैव एट दैट फिश प्लेस। हेलो रितम। हाय हाय अनिर्वान। सो यू आर कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस इट्स बीन मंथ्स। यहाँ पे तो बहुत कुछ नया नया कलेक्शंस देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ, इनफैक्ट प्लांटेशन टैंक्स भी शायद आप स्टार्ट किए हो। आप नया नया क्या अभी इधर में स्टार्ट किए हो, और अभी जो आपका नया पूरा स्टॉक्स आया हुआ है, क्या क्या आपके पास आया हुआ है? बिल्कुल हटके ऑडिबल आइटम में मैं फर्स्टली बोलना चाहूँगा एक्सोलॉटल के बारे में। एक्सोलॉटल मेक्सिको का मछली है बेसिकली। तो एक्सोलॉटल है हमारे पास, मेक्सिको का ये बेसिकली नेटिव फिश होता है। फिश नहीं, ये बेसिकली रेप्टाइल और फिश का एक इवोल्यूशनरी स्टेज होता है। आप देखोगे कि बहुत सारे वो टैटपोल की तरह एक टेल होता है, फिर उसका लाइक लिम्स भी होता है, हम उन्हें दिखाएंगे। तो थोड़ा बहुत लगेंगे ऑलमोस्ट लाइक ए वाटर लिजर्ड जैसा। यस बिल्कुल बिल्कुल, सैलामेंडर फैमिली का ये होता है। बिल्कुल, ये बहुत ही हटके टाइप का एक एक्वेरियम में रखने का चीज है। तो ये हम आपको दिखाएंगे। फिर आपको दिखाएंगे हम मार्बल्ड अफ्रीकन लंगफिश। एज द नेम सजेस्ट, अफ्रीकन जो लंगफिश होता है उनके पास एक ब्रीडिंग ऑर्गन होता है जो लंग की तरह हम बोल सकते हैं काम करता है। नॉर्मल फिश जैसे जो गिल्स से ब्रीडिंग करते हैं, वो उनका ब्रीडिंग जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। उनके पास अपेंडेज होता है, ये आप देखोगे कि बिल्कुल टेल के तरह, ये जो लेग्स के तरह नहीं होता है, ये अपेंडेज के तरह होता है। वो बेसिकली लंबा एक नॉट फुल्ली फॉर्म्ड लेग्स जो आप बोल सकते हो। अच्छा, ये बहुत ही ये बेसिकली बहुत ही हार्डी फिश होते हैं। इनका जो आपका वाटर पैरामीटर जो है वो फ्लेक्सिबल रख सकते हैं ये, बिकॉज ये बहुत ही हार्डी आता है। ये एकदम ऑडबॉल फिश है, आपको बहुत ही कम दिखेगा ये। तो ये भी हम आपको दिखाएंगे आज। तो उसके अलावा प्लांटेड फिश का स्टॉक भी दिखाएंगे, बहुत सारे ऑस्कर्स भी दिखाएंगे। ये अभी ब्लड वर्म्स खा रहे हैं, या और आप ट्यूबी फिश भी दे सकते हो। और इसके साथ बाकी फिशेस क्या रख सकते हैं? बाकी फिश ये बेसिकली प्रेडेटरी फिश होते हैं। तो बेसिकली छोटे मछली आप नहीं रख सकते। लंगफिश आप देखोगे कि डोसाइल है, ये यहाँ वहाँ बहुत सारे नहीं घूमते हैं, थोड़ा डोसाइल रहता है। इसका प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट ये होता है कि ये चुप से बैठ जाता है, छोटा मछली अगर आता है तो खा जाता है। तो इनके साथ अगर आप रखोगे तो पीसफुल सिक्लिड्स लार्ज साइज के, ये आपको ड्राई फूड ये नहीं खाएगा। बाद में अगर आप लाइक यूज टू कर सकते हो वो एक अलग बात है, लेकिन यूजुअली ये जो खाता है लाइव फूड ही इनका ज्यादातर ये होता है, क्योंकि ये वाइल्ड कॉट ही आता है लंगफिश। ओके, और इसका टेम्परेचर? टेम्परेचर अभी हम जो मेंटेन कर रहे हैं 26 का टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं। ये फ्लेक्सिबल है, फ्रॉम 25 to 30 आप इजिली रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता है इसको। तो और आपके पास नया नया ये भी सुनाई दिए कि आप कुछ प्लांटेशन टैंक्स भी अब स्टार्ट किए हो, अलोंग विद स्कीपिंग भी अब स्टार्ट किए हो। हाँ, हम लोग स्कीपिंग स्टार्ट किए हैं। स्कीप्ड टैंक्स जो है आपको मैं हम खुद कुछ वीडियो में आपको दिखा दूंगा। okay. जो जैसा हमारा स्कीपिंग होता है तो वो भी हमारे पास है। प्लांटेड का बहुत सारे फिशेस आपको मिल जाएगा, नैनो फिशेस मिल जाएगा, ये सब भी जैसे कि पी पफर मिल जाएगा आपको। हमारे पास हिल स्टीम लोच आता है, फिर उसके अलावा आपको अभी माउंटेन मिनो मिल जाएगा, नॉर्मल में कार्डिनल टेट्रा मिल जाएगा आपको, एक बहुत सारा अनकॉमन स्नेल है पोस्टो ऑरेंज रैबिट स्नेल, वो भी मिल जाएगा। एक अनकॉमन एक फिश दिख रहा था, उसका नाम क्या होंगे? प्लैटिनम हाफ बीक, वो भी बेसिकली प्लैटिनम हाफ बीक। प्लैटिनम हाफ बीक, या अच्छा, तो ये भी आपको मिल जाएगा। प्लांटेड का एक्वेरियम में आप रख सकते हो, सरफेस फीडर है बेसिकली, सरफेस लेवल पे ही रहता है। पीसफुल, बहुत ही पीसफुल।
तो और आपका नया नया अभी क्या आपके पास अभी आया हुआ है? आप देखिए फर्स्ट एक्सोलॉटल देखिए, कुछ थोड़ा बहुत बता देंगे एक्सोलॉटल के बारे में। हाँ, आप जैसे जो देखोगे एक्सोलॉटल का जो गिल होता है वो एक्सटर्नल गिल होते हैं, कान के बाहर जो लाल टाइप एक्सट्रूड कर रहे हैं वो एक्सटर्नल गिल बोलते हैं उसे, तो उनके लिए वो ब्रीडिंग लाइक ब्रीदिंग में वो काम आता है। एक्सटर्नल गिल्स आता है एक्सोलॉटल का। ये जो लिम्स टेल जो एक्सोलॉटल का आप देख रहे हो ये बेसिकली इनका जो काम जो होता है, अगर किसी तरह डैमेज हो जाए तो ये एक्सोलॉटल लिजर्ड की तरह ये अपने लिम्स अपेंडिज को रीग्रो कर सकता है। अच्छा, और ये लोग खाना क्या खाते हैं? अभी ये लोग ट्यूबिफेक्स और ब्लड वर्म्स ही खा रहे हैं, अभी ड्राई फूड ये लोग कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप मील वर्म सुपर वर्म्स ये भी दे सकते हैं, इजिली एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, और इसके साथ क्या क्या फिशेज हम लोग रख सकते हैं? ये बेसिकली फिश को ये अटैक करता है, ये फिश, बाकी सभी फिशेस को। हाँ, ये बेसिकली फिश के साथ फ्रेंडली नहीं है, दमी नहीं है। तो यानी आप बोलना चाह रहे हो अगर इसको रखे तो एंटायरली एक्सोलॉटल एकदम जस्ट लाइक फ्लावरों की तरह टैंक में एक या दो ही रहेंगे ऐसा? आप एक्सोलॉटल ओनली टैंक रख सकते हो, एज पर टैंक साइज आप नंबर ऑफ एक्सोलॉटल बढ़ा सकते हो। जैसे आप 2 फीट के टैंक में जैसे आप 5 एक्सोलॉटल नहीं रखेंगे। अगर टैंक साइज बड़ा हो तो एक्सोलॉटल के डिफरेंट कलर्स भी आता है। ये जो है ल्यूसिस्टिक या एल्बाइनो एक्सोलॉटल इसे बोलते हैं। इसके अलावा भी आपको ब्लैक में मिल जाएगा, गोल्ड में मिल जाएगा, ये कलर वेरिएशन इनका आता है। अच्छा, यानी आपको ऑर्डर देने पे वो आपको मिल जाएगा। हाँ, ये एज पर अवेलेबिलिटी हम लोग लाते हैं। एक टैंक में पकड़ लीजिए 3 फुट का टैंक में आप कितना एक्सोलॉटल आप रख सकते हैं? 3 से ज्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा पर्सनली, क्योंकि ये 7-8 इंच के आसपास या थोड़ा ऊपर भी बड़ा होते हैं साइज में। अच्छा, ओके। और खाना, और बोले कुछ एकदम बहुत एग्रेसिव फिश भी हो तो भी रखना नहीं चाहिए? एग्रेसिव ज़्यादा हो तो फिश तो उन्हें डैमेज कर देगा। और डोसाइल फिश होगा तो एक्सोलॉटल अटैक कर देगा, तो इट्स बेटर कि आप अलग रखें टू बी ऑन द सेफर साइड। ये आबा आबा आपको मिल जाएगा फिर। आबा आबा, राइट। तो ये आबा आबा एक्चुअली किस तरह का फिश होता है? आबा आबा बेसिकली नाइफ फिश वैरायटी का आता है। ये आप नीचे देखोगे कि उनका जो फिन आता है ना ऊपर की तरह इनका फिन आता है। ये आपका जो फेदर फिश में जो होता है, फेदर फिश में आप देखोगे इनका नीचे का फिन से ये लोग स्विम करते हैं, आबा आबा के ऑपोजिट होता है, इनका ऊपर स्विमिंग का फिन है। Right. बिल्कुल ऑपोजिट आपका फेदर फिश से। तो ये भी नॉक्टर्नल फीडर्स है, ये रात को फीडिंग करते हैं। इनका कम्युनिकेशन जो करते हैं ये थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स करते हैं। इनका फुल्ली कम्युनिकेशन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही होता है। और बहुत ही ऑडवॉल फिशेस है, इनका साइज भी जब बड़ा होते हैं अबव 10 इंच जाता है इनका साइज। हाँ, नाइफ फिश फैमिली का ये आते हैं। फिर आप देखोगे एलिफेंट नोज है हमारे पास। ये अगर लाइट बेसिकली एलिफेंट नोज भी जो होते हैं ये एक्चुअली नॉक्टर्नल फिश होते हैं। आप देखोगे कि टैंक का जो लाइट ऑन है ये अभी स्पॉन्ज के पीछे छुप रहे हैं। इनका ये कारण जो कारण होता है क्योंकि नॉक्टर्नल फीडर्स होता है, ये रात को ये बाहर आते हैं। बिल्कुल। हाँ, टैंक लाइट हम कुछ देर में ऑफ कर देंगे, ऑफ करके आपको दिखाएंगे, ये बाहर आके पूरा स्विम करेंगे। इनका हाँ, तो सबसे मजेदार बात है कि हाथी के सूंड की तरह उसका ये थोड़ा बहुत उसका नाक जो नाक होता है और वही उसका जो मुंह का ओपनिंग होता है उसी से वो खाना खाता है। बिल्कुल। और फिर तो जबरदस्त ऑस्कर्स भी दिख रहे हैं। ऑस्कर्स आपको दो जगह हम दिखा देंगे, यहाँ पे आपको कॉपर और आपको टाइगर ऑस्कर दिख जाएगा। बिल्कुल। और इस साइड में आपको एल्बिनो रेड स्नेक स्किन दिख जाएगा। सॉरी, फिर उसके ऊपर आपको लेमन ऑस्कर दिख जाएगा। है ये आपका बीचीर फैमिली का आता है। बीचीर फैमिली में आपका बहुत सारे सेनेगल का स्पीसीज है, तो उसके अंदर डेलेजी एक बहुत ही सॉर्ट आफ्टर स्पीसीज है। इनका बॉडी मार्किंग के लिए आप देखो कि बहुत ही यूनिक मार्किंग आता है इनका, स्पॉटेड मार्किंग आता है। उसके अलावा एल्बिनो बीचीर या एल्बिनो सेनेगल भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा साइज का आया है इस शिपमेंट में। 4 इंच 5 इंच का साइज का आपका मिल जाएगा।
अनकॉमन थोड़ा टैंगनिकन का मछली मैं दिखा दूंगा, ये है कैलिनोक्रोमिस ब्रिकार्डी। कैलिनोक्रोमिस में आपको दिखेगा कि जो मास्क जो होता है कैलिनोक्रोमिस का, पूरा ऐसा दिखता है कि काजल से जैसे ड्रॉ किया हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही यूनिक मछली है ये, बहुत ही इंक्विजिटिव मछली। आप देखोगे कैमरा देख के ये सामने आगे आ रहे हैं इंस्पेक्ट करने के लिए क्या है क्या नहीं है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मछली है ये, आपको दिख जाएगा। ये प्लैटिनम हाफ बीक बोलते हैं इसे। नीचे का जो देखेंगे आप कि बीक इसका फुल बीक है, ऊपर का हाफ है, इसीलिए इनका नाम आता है हाफ बीक। ये आप इनका ये रिलेशन जो है गार फैमिली से आता है। अच्छा, ओके। तो देखोगे कि आप मैच करते हैं। ये जो है असैसिन स्नेयर्स है, ये इनका हो जाएगा, ये आपका पोसो ऑरेंज रैबिट स्नेल, ये असैसिन स्नेल है। यहाँ पे आपको ऑटोसिंथलस मिल जाएगा, ये बोलते इसे पी पफर, ये पी पफर इतना छोटा। हाँ, ये आपका अगर पेस्ट स्नेल का इन्फेस्टेशन है, आपका पेस्ट स्नेल जो प्लांट के साथ आते हैं, ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है पी पफर। बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे बहुत ही बढ़िया मछली है ये, आप रख सकते हो ग्रुप में टैंक में। बिल्कुल बिल्कुल। और कार्डिनल्स तो दिखे अभी, ये तो कॉमन फिश है, ये है, ये भी हम कैरी करते हैं हमारे पास। कार्डिनल टेट्रा भी मिल जाएगा। तो रितम, यहाँ पे अगर आपका ये दैट फिश प्लेस में कोई अगर आना चाहते हैं तो वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा जरा? कोई अगर आता है यहाँ पे, ये हमारा लोकेशन है टॉलीगंज नेताजी नगर। तो आप पकड़ लीजिए कि अगर मेट्रो से आप आ रहे हो तो मेट्रो में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका होगा बाजरोनी मेट्रो स्टेशन, जिसे बोलते हैं मास्टरदा सुजोशन। और अगर आप बाई कार या बाई कार रहे हो, ये आपको टॉलीगंज से सीधा आके पड़ेगा आपको नेताजी नगर जो सिग्नल है, वहाँ से आपको लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल ही मेन रोड के सामने ही है हमारा स्टोर। तो आप आने से पहले हमारा जो नंबर है आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो एक बार नंबर सबको मेरा फ़ोन नंबर है 8910600094। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कदर से आपको वीडियो बहुत ही पसंद आए होंगे, और पसंद आया होगा तो जरूर मेरा चैनल ऑनिस एक्वाकल्चर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल। सो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे लेते हैं अलविदा, मैं और रितम दोनों ही। Thank you. Thank you so much. Goodbye. Thank you so much.